और अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासत की हर रोज एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी को एक झटका जरूर लगा आज जब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। हालांकि अखिलेश यादव ने उन्हें शुभकामनाएं जरूर दी हैं, लेकिन अपर्णा यादव की बीजेपी में एंट्री सियासी तौर पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ाती नजर आएगी। एक रिपोर्ट देखिए। अंदर उनको शामिल करने की विधिवत घोषणा करें। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, एक कदम और समाजवादी पार्टी में बढ़ गई टेंशन। मुलायम की बहू अपर्णा यादव ने थामा कमल। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम यादव की छोटी बहू ने एसपी का दामन छोड़ दिया और थाम लिया कमल। अपर्णा यादव ने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और कहा कि उनके लिए राष्ट्र सबसे पहले है। अपर्णा ने कहा कि वो पहले से ही पीएम मोदी और बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित थी और अब वो पार्टी हित के लिए पूरी ताकत से काम करेंगी। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ। दिल्ली में अपर्णा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। दोनों नेताओं ने अपर्णा का बीजेपी में स्वागत करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि अखिलेश अपने परिवार में ही सफल नहीं है। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत गर्म हो गई है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव ने 2017 में लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद भी लखनऊ कैंट से वो सक्रिय रही। बताया जा रहा है कि वो इस बार लखनऊ कैंट से टिकट चाहती थी, लेकिन एसपी से उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कमल का साथ थाम लिया। यूपी चुनाव के फर्स्ट फेज के मतदान से पहले मुलायम सिंह यादव की बहू का बीजेपी में शामिल होना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। दिल्ली से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। हमारे सहयोगी मणिदीप शर्मा ने अपर्णा यादव से खास बात भी की है। लगातार ये सवाल उठ रहा था कि अपर्णा यादव क्या भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए शामिल हो रही हैं? अगर हाँ तो किस विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगी, क्या एक बार फिर लखनऊ कैंट से ही? सुनिए जरा खास बातचीत में क्या कुछ कहा अपर्णा यादव ने। राष्ट्र और मोदी का नाम लेकर अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई, हमारे साथ बातचीत करने के लिए समय मौजूद है। अपर्णा जी, ये बताइए कि आप बीजेपी में शामिल हो गई हैं, आपने बता दिया राष्ट्र और मोदी जी से आप प्रभावित हैं। आने से पहले बीजेपी दफ्तर में, परिवार में, मुलायम सिंह परिवार में कोई आपकी बातचीत हुई कि अब मैं बीजेपी में शामिल होने जा रही हूँ? परिवार से बिल्कुल विमुख नहीं हूँ, मैं परिवार की बहू हूँ और मुझे अपने दायित्वों का मैंने हमेशा से निर्वाह करती आई हूँ, आगे भी करती रहूँगी, और मेरे बड़ों का सबका आशीर्वाद है मेरे साथ जी। मैम, कहा गया कि स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा कि अखिलेश राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, और उसके बाद में अब आपकी ज्वाइनिंग होती है, मुख्य तौर पर ये आप मानकर चल रही हैं रीज़न कि महिलाओं उस समय असुरक्षित थी और योगी जी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? मैं बस इतनी बात बोलना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितना काम महिला सशक्तिकरण के लिए किया है, उतना काम
उतना महिलाओं के लिए मुझे लगता है एक अवसर के साथ साथ उनको स्वावलंबी बनाना, ये जो कृत्य किया है ये बहुत सराहनीय है और ये उच्चतम मुझे लगता है राष्ट्रवाद का परिचायक है। क्योंकि हमेशा से बहुत सारे चिंतक ये बोलते आए हैं कि जब भी महिला स्ट्रांग होगी, जब भी महिला स्वावलंबी होगी, उसका परिवार अच्छा होगा। सीट पर कोई कयास, कोई आखिरी बातचीत? मैंने देखे किसी भी तरीके का मांग नहीं रखी है पार्टी से। मैं पार्टी से प्योरली आइडियोलॉजिकल उससे जुड़ी हूँ। मुझे ये पता है कि शीर्ष नेतृत्व का पूरा आशीर्वाद है मेरे साथ और जो भी शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा उसको मैं पूरी अपनी निष्ठा के साथ निर्वाह करूँगी। न्यूज़ नेशन से तो अपर्णा यादव थी हमारे साथ में, वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।